से लाके गया? नाजाबाद से, रंजुलेन से। अभी यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन है वो अराउंड जो है ना 12 किलोमीटर दूर है। अभी हम जिस एरिया के अंदर, यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, लेकिन भाई ने बोला कि अभी इस्लामाबाद पहुँच से मौसम अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे रश है, लग रहा है यहाँ का पुलाव वगैरह जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर्सनली मुझे पुलाव पसंद नहीं है, लेकिन देखो यहाँ का पुलाव कैसा होता है। इस्लामाबाद आए और पुलाव नहीं खाया तो भाई इस्लामाबाद आए क्यों? ये मतलब यहाँ पर भी आके ये फ्राइज खा रहा है, ये फ्राइज खा रहा है यहाँ पर भी आके। ये हाँ सर, फुल पुलाव कैसा था? Wait a minute. ये मतलब यहाँ पर भी आके ये फ्राइज खा रहा है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। बहुत ब्लॉग कैसा था? लंबी नहीं, गजब बेइज्जती है। ब्लॉग कैसा है? 6 मैंने भी 6.5-7 दिए। अभी मैंने खाना खा लिया। यहाँ के ब्लॉग का मेरा टेस्ट को मैं रेट करूँ 8/10 तो मैं इसको 7.5 या 7 के करीब दूँगा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा नहीं था। पुलाव से अच्छा जो इसकी जो कबाब वगैरह था बहुत ज़्यादा बेटर था। और पुलाव अगर आप सादा खाएंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रायता संभाल करें, वरना पुलाव ना एवरेज था। अभी जो हमने खाना खाया है और खाना खा के हम अपने होटल में चेकिंग कर रहे हैं। ये हमारे होटल की लॉबी है। ये चेकिंग वगैरह किया हमने इससे। होटल तो फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं कैसा है। एक बेड ही, सिंगल बेड ही है, डबल बेड ही है, एक मैट्रेस ये रहा, बाकी वहाँ कबर्ड वगैरह है और एक ये सोने की एलसीडी वगैरह। हायर का एसी है, मैं आपको इसी कबर्ड भी दिखाता हूँ, बल्कि सुबह दिखाऊंगा। अभी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। मैं फ्रेश होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको कंटिन्यू करूँगा व्लॉग। 20 मिनट्स लेटर। तो अभी नहा के मैं फ्रेश हो गया हूँ। मैं अब मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ अपने अभी नीचे दुकान वगैरह देखने के लिए, एरिया वगैरह देखने के लिए। तब तक नीचे भी थोड़ी वीडियो बनाऊँ मैं। होटल के मैं आपको रिव्यू दे दूँ। रूम थोड़ा छोटा है, स्पेस थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर हम चाह रहे हैं, लेकिन देखो अभी क्या होता है यहाँ पर। अभी रात का 1:30 बज रहा है,
एक ये होटल है और उसके जो बराबर में एक ये जो है ना कोई ऑफिस वगैरह है या कोई रेस्टोरेंट आई थिंक, और हमारा होटल वो है। यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह हैं। मेट्रो होटल हमारे होटल का नाम है। मतलब रात को 1:30 बजे यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है। यहाँ थोड़ी देर पहले दुकानें कुछ खुली हुई थी इसी लोड वगैरह की, मोबाइल वगैरह की, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं अभी। होटल का कौन सा? ये होटल का कार्ड है। हाँ ये भी हमारा, ये दूसरे का साथ वाले। ये होटल का कार्ड है, कार्ड ही ले लें। होटल इस्लामाबाद मेट्रो इन, प्लॉट नंबर 14/10, नियर डाइवो बुकिंग ऑफिस। यहाँ पे रेंट वगैरह क्या है पर नाइट? ये गेस्ट के हिसाब से होता है ना, कितने पर्सन है रूम के हिसाब। अगर हम 4 पर्सन है एक रूम हो, कितने का मिलेगा हमें एक नाइट का? एसी वाला? जी एसी वाला। 4 पर्सन हो तो 3 बेड वाला एक साथ मैट्रेस दे देंगे जी। इसमें तकरीबन जो है एसी वाला आपको 4,000 या 3,500। सही सही। इसमें तकरीबन मिल जाए। अगर हम 2 दिन के लिए लें तो ये फिर हिसाब होता है ना आगे, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा फर्दर? डिस्काउंट भी मिल जाता है। अभी भाई की मेहरबानी, भाई जो है हमें अपना एक और होटल दिखा रहे हैं। एक इनका होटल ये मेट्रो है, अभी ब्रा वाला भी होटल जो है वो भी दिखा रहे हैं। उसके जो चार्जेस वगैरह वो थोड़े एडिशन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर इसके, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उसकी जो रूम वगैरह है और जो सर्विस वगैरह ज़्यादा अच्छी है। अभी वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये बाहर से जो इसका होटल का ये लुक है, ये फ़ोन नंबर इसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसे दिखा दूँ फ़ोन नंबर में। नहीं नहीं कराची थोड़ी है। क्या बोला तूने? ये इनका रिसेप्शन हो गया, ये इनका सिटिंग एरिया, वेटिंग एरिया वगैरह कह लें आप। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी कॉर्पोरेट करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये अब ये जो है मुझे रूम दिखाने जा रही है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये रास्ता वहाँ से है। ये कपल के लिए मास्टर बेडरूम, यहाँ पे आपको बार एसी एलसीडी, उसके बाद हर रूम में सेपरेट गीजर। अच्छा, गीजर भी है इसमें? इंस्टेंट गीजर लगे होते हैं रूम में। और यहाँ पे एक और चीज़ जो कि सर्दियों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। सही, ये हीटर वगैरह ये है? ये सेंट्रली हीटर है। और ये सी कबर्ड वगैरह हो गया, आपने कपड़े वगैरह रखने यहाँ पे। अभी आपको मैं 3 बेड चेक करवाता हूँ, एक सेकेंड। अब ये जो सामने वाला दिखा रहे हैं ये 3 बेड है। अभी इसकी डिटेल भी हम फर्दर लेते हैं इनसे। ये 3 बेड है, ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रूम है। यहाँ पे आपने जो वो मास्टर बेड देखा है उसका हम 4500 चार्ज करते हैं गर्मियों में एसी में जी। ये 3 बेड जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका हम चार्ज करते हैं 5000। इसका 5000 है इसका? जी हाँ। मैं आपको 4 बेड दिखाता हूँ। सही है। ये इनका 4 बेड है, ये हो गया ये। और यह ये बैठने के लिए है, ये या मिनी बार कर लें या इसको फ्रीजर कर लें। ये LCD हो गई है। अरे एरिया का क्या एड्रेस है? ये G7 खड्डा मार्केट है, 0 पॉइंट इस्लामाबाद का मीट कह लें, उसके बिल्कुल साथ है, फायर ब्रिगेड हेड क्वार्टर के साथ ही है, खड्डा मार्केट कर लें इसको G7। ठीक है, मैं इसकी जो है मैप की पिन लोकेशन भी डाल दूंगा मैं। थैंक यू सर। ये इसमें मैंने इसी नंबर लिखे हुए हैं, फायर ब्रिगेड, रेलवे, पुलिस। आप मुझे अपना कार्ड भी दिखा दीजिए। थैंक यू। फोकस। ये इनका कार्ड है, ये इनका नंबर भी लिखा हुआ है, ये और ये फेसबुक पर इनका पेज बना हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। ये सनी बैंक लोगों की हो गया।
अगर कोई आया मेरा नाम लेके डिस्काउंट देंगे थोड़ा बहुत इंशाल्लाह, है ना। 2:30 बज रहे हैं तो हम लोग जो है अभी कंफ्यूज है। एक हमारा जो पर्सन ये कह रहा है कि भाई सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, और दूसरा जो हमारा शैतान है ये कह रहा है कि अभी रात को मूवी देखनी है, मनी आइज देखनी है। अब देखो भाई, इंसान कराची में रहता है, अपने घर में रहता है, 24 घंटे 12 घंटे सोता रहता है, यहाँ पे सोना थोड़ी है, यहाँ पर हम एंजॉय करना है। क्या करना है? एंजॉय, सोने नहीं आए। हाँ, पूरी रात जागेंगे, सफर में हम सोएंगे इंशाल्लाह, अभी देखेंगे मूवी। अभी हमारे अभी एक और बंदा आ रहा है, वो चिप्स वगैरह लेने के लिए गया है, वो चिप्स वगैरह खा पी के मूवी एंजॉय करेंगे और सुबह तक जागते रहेंगे, फिर सोएंगे सफर में इंशाल्लाह। वतना ते वल्लोआ दिल बोदा से। अभी मैंने अलार्म लगाया है 4 घंटे 21 मिनट का, अब देखो इंशाल्लाह हम उठ जाए, मूवी का शायद सीन हमारा कैंसिल हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी भी हम सफ़र करके आए हुए, हम थके हुए अच्छा खासा, तो हमें सुबह उठना भी होगा। वो तो मजाक कर लेंगे, मूवी देखेंगे सोएंगे हम लोग। तो कल सुबह के 7:30 बजे हमारी चलास के अंदर हमारी तश्कील होगी, हम चलास में जाएंगे और जो हमारा जो नाश्ता वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, नाश्ता कब आएगा? 7:30 पे नाश्ता आएगा और 8 बजे तक यहाँ से हम निकल जाएंगे होटल से। और अभी ड्राइवर ने हमें यही बोला है, हमारे गाइड ने, कि हमारे जो कल का जो सफ़र जो होगा वो पूरा थका देने क्या होगा, पूरा सफ़र होगा, सुबह जल्दी निकलेंगे ताकि हम जल्दी मगरिब तक पहुंच जाएं। अगर हम मगरिब तक पहुंच जाएंगे तो सही है, इजीली रूम में रेस्ट कर सकेंगे, अदरवाइज लेट पहुंचेंगे, रात हो जाएगी तो और मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। जो इसने बोला वही है। अलार्म लगा रखा है किसी ने 3 घंटे का, किसी ने 4 घंटे का, और हम सब प्लानिंग कर रहे हैं कि हम सब सो जाएंगे थोड़ी देर पहले, क्योंकि तो लेकिन अगर सोने का बोले तो इंसान लाइट बंद करके सो जाए, वो भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी टिकटॉक इस्तेमाल कर रहा है, वही वो हाँ एक तो गायब है, एक हमारा दोस्त उनको कजन को गैदरिंग मिल गई उनके मतलब की पबजी की, वो गायब है, वो ये क्या चीज है, गायब है, पता नहीं वो समझ रहा कराची आया हुआ है, वो किरा हाँ सुबह 7 बजे जा रहे हैं, अभी 2:45 बज रहे हैं, वो समझ रहे हैं कराची के अंदर हम। 4 घंटे बाकी है ना सोने। ब्रदर नहीं यार, पहले के लोग भाई, पहले के लोग जो हुआ करते थे ना यार, वो बैठते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक। आजकल का टाइम क्या है, मोबाइल पे लगा हुआ है, मोबाइल पे ये, मोबाइल पे दूसरी दुनिया में भाई, ये चीजें होती है हम लोगों को दूर करती है एक दूसरे से। क्या कहते हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। 4 hours later ये नाश्ता है हमारा यहाँ पे, ब्रेकफास्ट के अंदर जो है ना अंडे दिए हैं, पराठे हैं, चाय है, बिस्किट दिए हैं। अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं और जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं चिल्लास के लिए। आपको अभी और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, नाश्ता वगैरह यहाँ पर अच्छा था, चाय वगैरह थी, अंडे थे, पराठे और बिस्किट वगैरह थे। अभी हम निकलते हैं, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, ठीक है? इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप रूम चेक कर लें।